हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, है ना। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि आखिर फूड जो है वो क्या हम लोगों को ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो ज़िंदा हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब चीज़ों को फूड की ज़रूरत है, है ना, सर्वाइव करने के लिए। फूड से आखिर क्या होता है, तो फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलता है ना, और ये हम लोगों को बीमारियों से भी बचाती है। साथ ही अगर हम बीमार हैं तो हम लोगों को ठीक होने में भी फूड जो है वो क्या है, सहायता करता है। हम लोग अलग अलग टाइप के फूड को खाते हैं, अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, जिससे हम लोगों को अलग अलग जो है वो क्या है, मटेरियल शरीर को मिलता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, जो शरीर के लिए ज़रूरी है, इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद होता है प्रोटीन, फिर होता है विटामिन, फिर होता है फैट्स, और फिर होता है मिनरल्स। कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसमें सारा जो है वो क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। हम लोगों को बहुत सारे फूड को खाना पड़ता है, वैरायटीज़ में फूड को खाना पड़ता है, ताकि सारे हम लोग न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर को दे सके, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये बेसिकली हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। हम लोग को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से फूड में तकरीबन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे फल हैं, ठीक है, जितने भी हमारी सब्जियां हैं, जिसमें फल में कौन कौन आ गया, हमारा एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, फिर वेजिटेबल्स में आ गया पोटैटो है, पम्पकिन है, है ना। उसके बाद मिल्क्स के और मिल्क के जो भी बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट शरीर को मिलता है, जिससे हम लोगों को काफ़ी एनर्जी शरीर को आती है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे शरीर में दूसरा जो न्यूट्रिएंट काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है फैट्स। अगर फैट्स की बात करें तो ये भी हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, और ये जो है वो क्या है, एनर्जी के रिजर्व्स के जैसे काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, अगर वो नहीं हमारे शरीर को है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की अगर कमी है, तो ये जो फैट्स में जो एनर्जी है वो हम लोगों को सहायता करेगी हमारे शरीर के कामों को करने में, ठीक है। साथ ही फैट से जो है कि हमारा शरीर गर्म भी रहता है। जो फैट होता है वो हम लोगों को ऑयल से, जो तेल में तली गई चीज़ें हैं, या फिर जो कोकोनट है, या घी है, या चीज़ है, इन सब चीज़ों से हमारे शरीर को फैट्स जो है वो क्या है, मिलता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। इसके बाद हम लोग को जानना है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो है कि हमारे शरीर को मेंटेन करने में, शरीर को रिपेयर करने में सहायता करता है, है ना। जो बच्चे होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलता है, मीट है, फिश है, चीज़ है, उसके बाद बीन्स है, नट्स है, है ना, इन सब चीज़ों में हम लोगों को प्रोटीन पाया जाता है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी गई है, हमारा जो हेयर है और नेल है ना, हमारा जो बाल है और वो हमारा जो नाखून है, वो भी प्रोटीन से ही बनता है, जिसको हम लोग केराटिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को अगला जो मिनरल है जिसके बारे में जानना है वो है विटामिन। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन से हम लोग जो है वो क्या, हेल्दी रहते हैं। हमारे दांत हैं, हमारी हड्डियां हैं, हमारे स्किन है, इन सबको चमक है, और तुम्हारा मेंटेनेंस जो है वो क्या होता है, है ना। साथ ही ये जो है कि अगर बीमारी है, इन्फेक्शन है, उससे भी लड़ने में सहायता करती है। जिन फूड्स में विटामिन पाया जाता है वो फूड कौन कौन है, ब्रोकली है, पपाया है, आलमंड्स हैं, है ना, उसके बाद कैरेट है, पम्पकिन है, है ना, ये जितने भी फ्रूट्स हैं सब में विटामिन की मात्रा मौजूद होती है, जिससे हम लोगों को इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने में भी सहायता मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का मिनरल्स है। अगर मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, पोटाशियम है, इन सब चीज़ों की हम लोगों को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हम लोगों को हेल्दी रहने में सहायता करते हैं। जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में सहायता करता है। और कैल्शियम किन किन चीज़ों से मिल सकता है, तो मिल्क है, और मिल्क से बनाई गई जो चीज़ें हैं उनमें हम लोगों को कैल्शियम भी मौजूद होता है, ठीक है। अगर आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो क्या है, ब्लड फॉर्मेशन में सहायता करता है, यानी कि अगर हम लोग फिट रहना चाहते हैं तो आयरन से रिलेटेड प्रोडक्ट खाना चाहिए। और आयरन किस चीज़ में मिलता है, मुख्यतः ये हम लोगों को हरी सब्जियों में मिलता है, तो हरी सब्जियाँ ज़रूर खानी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद है वाटर एंड रफेज, और इन सब चीज़ों के बाद हमारे शरीर को वाटर यानी पानी की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। हमारे जो पाचन प्रक्रिया है, खाने को पचाने की जो पूरा सिस्टम है, इसमें पानी जो है क्या काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। और साथ ही ये जो हम लोगों का पानी है, ये हमारे स्किन के टेम्परेचर को भी मेनटेन रखता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है रफेज। रफेज मतलब क्या हो गया, रफेज मतलब सैलेड, ठीक है, जो सलाद हम लोग खाते हैं। रफेज की अगर बात करें तो ये जो है वो क्या है, ये भी खाने को पचाने के समय काम में आता है। साथ ही जो रफेज है उसमें क्या क्या होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, है ना। साथ ही जो क्या जो रफेज है वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने में काफ़ी यूज़फुल है। तो ये जितने भी हमारे विटामिन्स हैं और मिनरल्स आप कह लीजिए, ये सारे हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका जो है वो क्या अलग अलग रोल है हमारे शरीर में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हमारे सारे विटामिन्स हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद जब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे तो डाइट के बारे में सीखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। आप लोग यहाँ तक एक बार देख लीजिए, कोई समस्या होती है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं सवाल।